ठीक है एंड कॉल्ड माइक्रो ऑर्गैनिज्म जब बहुत सारे मिलियंस माइक्रोब्स से गेट टुगेदर होते हैं दैट मींस दे आर द दे आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम सब माइक्रोव मेकअप से कुछ होते हैं जिनसे हम बीमार होने हो सकते हैं बट कुछ होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं मोस्ट कॉमन उनके हैं माइक्रोब्स बैक्टीरिया फंगी वायरसेस प्रोटोजोआ नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सम बैक्टीरिया नीड ऑक्सीजन कुछ uh, बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत होती है डू सरवाइव एंड अदर्स डू नॉट लेकिन कुछ को नहीं होती सम लव द हीट कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हीट अच्छी लगती है वाइल अदर्स प्रेफर अ कोल्ड इन्वायरमेंट और कुछ होते हैं जिनको कोल्ड इन्वायरमेंट अच्छा लगता है मोस्ट बैक्टीरिया आर नॉट डेंजरस फॉर यूमन सारे बैक्टीरिया हमारे लिए डेंजरस नहीं होते मोस्ट ऑफ दैम इवन लिव ऑन और इन अवर बॉडी एंड हेल्प अर्स टू स्टे हेल्दी कुछ होते हैं जो हमें हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं सम बैक्टीरिया आर आल्सो नीडेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे फूड में हेल्प करते हैं योगर्ट हो गया चीज हो गई ठीक है जैसे कर्ड आता है योगर्ट का तो एक टाइप का ये बैक्टीरिया है ठीक है सेकेंड वेव स्टडी वायरस जो आजकल कोरोना वायरस जो आजकल बहुत स्प्रेड आउट हुआ हुआ है जिसके लिए हम आ, स्टे एट होम कहा जाता है कि घर पे रहिए जिससे वो फैले ना स्प्रेड आउट ना हो ठीक है और जिनको भी हो जिनको भी वायरस हो जाता है उनको क्वारंटीन में रखा जाए मीन्स उनको स्पेशल एक जगह दी जाती है जहाँ पर उनसे कोई भी मीट नहीं कर सके और वो स्प्रेड आउट ना हो सके ठीक है सो वायरसेस हैव नो सेल्स ऑफ देर उसका अपना सेल नहीं होता दिस मीन्स दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर मॉलिक्यूल्स इसका मतलब वो वन और मोर मॉलिक्यूल्स से सराउंडेड है बाय अ प्रोटीन शेल प्रोटीन शेल से सराउंडेड है द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फाउंड इन साइड द शेल इज नीडेड फॉर द वायरस टू रिप्रोड्यूस जो जेनेटिक सेल होता है उसका उसी से वो रिप्रोड्यूस करता है मैनी वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल डिजीज बहुत सारे वायरस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस डिजीज के सम आर हार्मलेस कुछ तो हार्मलेस हैं जो हमें नुकसान है एंड ओनली ट्रिगर अ माइनर कोल्ड हल्का सा कोल्ड हो जाता है अदर्स कैन कॉज सीरियस लेकिन बहुत बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होते हैं वायरस से जो सीरियस होते हैं मीन्स बहुत नुकसान देते हैं हमारी हेल्थ को like लाइक करोना वायरस जिसे हम कोविड नाइन्टीन कहते हैं या नोवल करोना वायरस कहते हैं ठीक है इट इज़ रिलेटिवली डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट टू फाइट वायरसेज वायरसेस से लड़ना बहुत मुश्किल है विद मेडिकेशन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सम वायरसेज अब हमें उसे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को वायरस से तो हम क्या करेंगे अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखेंगे एंड कैन बी ट्रेंड बाई अ वैक्सीनेशन का एक बार वैक्सीनेशन की भी जरूरत पड़ती है इसके लिए सो दैट बॉड बॉडी इज़ बेटर प्रिपेयर टू फाइट द वायरस जिससे हमारी बॉडी वायरस से लड़ सके थर्ड हम पढ़ेंगे फंगी के बारे में फंगी कैन लिव इन लॉट्स ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड फंगी जो होती है अलग अलग इन्वायरमेंट में रहती है द बेस्ट नॉन फंगी इंक्लूड ईस्ट जो ईस्ट uh, होता है जैसे केक वगैरह बनाने में फंगी का यूज़ होता है ठीक है ईस्ट का मोल्ड एंड ईडिबल फंगी और एक ईडिबल uh, फंगी है जैसे मशरूम तो ये भी हम खाते हैं एक एज अ वेजिटेबल इट्स ऑल्सो इट्स अ फंगी जस्ट बैक्टीरिया सम फंगी अक्कर नेचुरली अब ये जैसे बैक्टीरिया नेचुरल अकड़ हो जाता है वैसे ही फंगी भी होता है सम फंगी आकर नेचुरली कुछ फंगी ऐसे होते हैं जैसे बैक्टीरिया है वैसे ही फंगी है सम फंगी आकर नेचुरली कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो नेचुरल हो जाते हैं नैचुरली होते हैं स्किन पे और इन द बॉडी हमारी बॉडी में स्किन में हो सकते हैं, बट फंगी कैन ऑल्सो कॉ लेकिन फंगी भी डिजीज क्रॉस कर सकता है नेक्स्ट है प्रोटोसो दीज माइक्रोस टाइनी लिविंग थिंग्स ये बहुत ही टाइनी लिविंग थिंग्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबॉल डिजीजेस ये भी डिजीजेस करता है सच सचाज मलेरिया आपने सुना होगा मलेरिया में फीवर होता है मलेरिया इज अ डिजीज दैट इफेक्ट्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हंड्रेड मिलियन ऑफ पीपल को हर साल वर्ल्ड में जो है मलेरिया uh, से इफेक्ट होते हैं ठीक है सो फील टुडे वी विल रिवाइज आफ्टर दैट नाव वी यू हैव अंडरस्टूड आई थिंक सो यू हैव अंडस्टूड द टॉपिक नाव वी विल रिवाइज इट वॉट वी हैव डन टूडे वी हैव डन माइक्रोव दिसज आर टाइनी लिविंग थिंग दैट आर फाउंड ऑल अराउंड हमारे आस पास में ही है वाटर में एयर में एंड सॉयल में भी हो सकता है ठीक है सम माइक्रोव से कुछ हमें हमें बीमार कर देते हैं मे का सेक सम माइक्रोव मे का सेक बहुत सारे माइक्रोव ऐसे होते हैं जो हमें बीमार करते हैं बट कुछ हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोव जो मोस्ट कॉमन है वो है बैक्टीरिया फंग वायरस एंड प्रोटोज़े और जो अभी बहुत फैमिलियर वायरस जो बहुत फैमिलियर माइक्रोब है वो है वायरस थैंक यू